झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऐतिहासिक शहर है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पहुंच नदी के तट पर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। झांसी जिला झांसी डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जिसे बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। झांसी शहर खासकर रानी लक्ष्मीबाई और अपने विशाल किलों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। झांसी शहर चारों ओर से अपने विशाल किलों से घिरा हुआ है। लगभग 5,024 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस शहर की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,603 थी। अगर इतिहास के पन्नों में झांसी शहर को देखा जाए तो हमें पता चलता है, झांसी शहर पे किसी जमाने में चंदेल राजाओं का राज हुआ करता था, लेकिन उस समय झांसी शहर को बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। झांसी जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। जालौन जिले से, हमीरपुर जिले से और महोबा जिले के अलावा मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती हैं। दोस्तों, इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। दोस्तों, झांसी जिले को 5 तहसीलों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं: गरौठा, ठहरौली, मौठ, मऊरानीपुर और झांसी। यह जिला उत्तर प्रदेश के सभी अन्य नगरों से रेल और सड़क के माध्यम से अच्छे से जुड़ा हुआ है, और इस शहर से 3 प्रमुख नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जैसे नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 39 और नेशनल हाईवे 44। झांसी शहर का झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन झांसी शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त और बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई और दिल्ली मुंबई लाइन पर स्थित है। अब बात करते हैं झांसी शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, जिनके बिना झांसी शहर का भ्रमण अधूरा है। झांसी का किला उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। झांसी के इस किले को सिंहदेव ने 1613 ईस्वी में बनवाया था। महालक्ष्मी मंदिर, झांसी किला गेट के सामने बना महालक्ष्मी मंदिर, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि झांसी के लोगों का कुल देवी मंदिर है। रानी महल, रानी महल अपनी बेहतरीन नक्काशीदार डिजाइन और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। बरुआ सागर झरना, झांसी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे बना यह झरना साल भर पर्यटकों को अपनी तरह आकर्षित करता है। सखी के हनुमान मंदिर, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये मंदिर अन्य हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग है। ये हिंदू पावन धाम इसलिए ही प्रसिद्ध है, क्योंकि राम भक्त हनुमान यहाँ स्त्री रूप में विराजमान है। गणेश मंदिर, झांसी में इस मंदिर को हर कोई जानता है, क्योंकि यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है, और इसी मंदिर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। दोस्तों, झांसी शहर में और भी ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि देखने योग्य हैं। तो दोस्तों, झांसी शहर की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।